નમસ્કાર મિત્રો ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો તમારી પોતાની YouTube ચેનલ પર આજે આપણે ધોરણ 8 ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 7 ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું આપણે આ ચેનલ પર ધોરણ 8 ના હિન્દી વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડિયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે તો જોઈએ આપણે સૌપ્રથમ તેનો અભ્યાસ नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों का पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। तो जो चित्र आप प्रश्न जवाब जो जो नंबर एक दोनों चित्र में क्या अंतर है तो जवाब दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है गांव के चित्र में नदी है उसके घाटों पर नहाते कपड़े धोते पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है पक्के मकान है सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है लोग आधुनिक वेशभूषा में है त्यार पी नंबर बे गांव तथा रंग नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचि कर लगता है क्यों तो जो ये गांव के जीवन में सादगी सरलता है किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं नदी कुएं का पानी पीते हैं वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताजी सब्जियां खाते हैं लोग कच्चे घरों में रहते हैं पर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नजदीक होता है नगर के जीवन में तड़क-भड़क और बनावट अधिक होती है लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहने पहनते हैं वे पक्के मकानों में रहते हैं वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीदकर खाते हैं नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है लोग दुकानों बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं नगर के जीवन में शांति नहीं होती लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है नगर के जीवन में अनेक दोष है फिर भी मुझे यहाँ के जीवन ही पसंद है यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है अनेक संस्थाएं पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायता होते हैं उन्नति के जितने अवसर नगर में है उतने गांव में नहीं इसीलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है है नंबर त्रन क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है यदि नहीं तो क्यों जो तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता तालाब चारों ओर से बंद होता है उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है यह दूषित जल पीने से हेजा पे, पेचिस यादी तरह तरह की जान लेवा बीमारियां संभावना होती है। तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता तार अगर जो है नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के रूप एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए अँ मुद्दा आपेला है आप लखवा तो प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है दूसरे में उसकी बुराइयां दिखाई जाती है विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं विज्ञान ने बिजली की खोद कर मानव जाति पर बड़ा अपकार किया है ट्यूबलाइट पंखे एसी कूलर फ्रिज गीजर आदि बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान के अद्भुत देन है डॉक्टरी पैसे के तमाम उपकरण एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया की बदल डाली है मोटर बस ट्रेन हेलीकॉप्टर हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक पिस्तौल परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं विज्ञान के कारण आज जल वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है इसमें संदेह नहीं कि ये विज्ञान की अभिशाप है परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमजोर पड़ जाते हैं सच तो यही है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे कौन शक्तिशाली है कलम या तलवार अपने विचार कारण सहित बताइए तो जो ये जब कलम लिखने का काम करती है तलवार युद्ध में काम करती है काम आती है कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी हुई है तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है कलम कविता कहानी उपन्यास जीवन चरित्र आदि लिखती है तलवार गले काटती है और खून बहाती है कलम आनंद देती है उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है वह लोगों के दिल जीतती है वह बूढ़ों को अच्छा बनाती है रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया व्यास वाल्मीकि कालिदास तुलसीदास रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए कलम ने कई सिंहासन पलट दिए हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति रूसो की कलम की ताकत से ही हुई थी तलवार रक्षा का साधन जरूर है पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है इसीलिए मेरे विचार से तलवार की उपेक्षा कलम ही अधिक शक्तिशाली है तार पच्ची आगड़ा प्रश्न जो है तो दिए गए सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो है नंबर एक अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है तो जवाब से वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी सेना जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है त्यार पी जो है नंबर बे पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है तो जवाब आ पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो ऐसी चट्टाने हो जिसने पृथ्वी की ऊपरी पतों का निर्माण हुआ है त्यार नंबर त्र रेखा खींच कर सही जोड़े मिलाइए तो जो ये चार चौबीस प्रकाश वर्ष पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी एक छ करोड़ वर्ष નય ગ્રહ કી ઉમ્ર દસ કરોડ વર્ષ પૂર્ણ ગ્રહ બંને મે લગને વાલા સમય રિસ્પોન્સર સ્પેસ નાસા કા ટેલિસ્કોપ કેરી સિસ્તે વૈજ્ઞાનિક ત્યાર પછી હવે આપણે જોઈએ તેનો અભ્યાસ પ્રશ્ન નંબર એક ઉદાહરણ કે આધાર પર ઉપસર્ગ લગાકર શબ્દ પુનઃ લીખીએ અહીં આપેલું છે ભિન્ન તો વિભિન્ન દેશ તો વિદેશ પક્કા તો અધપક્કા ગમ તો દુર્ગમ યોગ તો પ્રયોગ જીવ તો નિર્જીવ બલ તો નિર્બલ સમજ તો ગેરસમજ સુવિધા તો અસુવિધા વાંછિત તો અવાંછિત ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર બે उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। जो उदाहरण नियम तो नियमित। नंबर विदेश तो विदेशी नंबर प्रकृति तो प्राकृतिक नंबर त्र पुत्र तो पुत्री नंबर चार लापरवाह तो लापरवाही नंबर पांच चंचल तो चंचलता नंबर छ ય તો યાંત્રિક નંબર સાત માનવ તો માનવતા નંબર આઠ હં તો હં સી ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર ત્રણ ચિત્ર કે આધાર પર કાવ્ય કી રચના કીજે અહીં જે ચિત્ર આપેલું છે તે પરથી આપણે કાવ્યને પૂર્ણ કરવાનું છે તો ઘડી લગી દીવાર પર ટીક ટીક કરતું ચલતી હૈ દિન હો યા રાત હોડા હો યા બ कभी नहीं रुकती थकती हर दम आगे ही बढ़ती जाती है प्रश्न नंबर चार देश की उन्नति विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे किसान या सैनिक कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए तीन शांतिवन पूर्णा रोड प्रिय मित्र सप्रेम प्रेम नमस्ते बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है बड़ा टेढ़ा सवाल है क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूँगा हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती अनाज महंगे है दालें मूँगी महंगी है मसाले महंगे है और तेल भी महंगा है ये चीज़ें सबको सुलभ नहीं है देश में लाखों बच्चों कुपोषण के शिकार है क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है खेतों में अनाज दाले तिलहन सब्जियां आदि भरपूर पैदा होगी सभी तभी सबको सुलभ होगी देश के जवानों को भी तो खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में मैं किसान बनना ही पसंद करूंगा।